नंबर 29, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ग्रुपिंग फाइल एंड फोल्डर्स, यानी कि हमें फाइल और फोल्डर को किस तरीके से ग्रुपिंग में डाल सकते हैं, यानी कि उसके डेट के अकॉर्डिंग, यहाँ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। ग्रुपिंग बाय ऑप्शन ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर बाय ब्रेकिंग दैम इन टू डिफरेंट सेक्शन। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग सेक्शन में डालकर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज नेम, डेट मॉडिफायर, टाइप, साइज एक्सेट्रा। यानी कि हम हमारी फाइल्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नेम के ऑर्डर पे, या डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप से भी अरेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ से भी हम अपने फाइल और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं। टू ग्रुप योर फाइल एंड फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन एनी एम्प्टी एरिया ऑफ द विंडो एंड सिलेक्ट द ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर। यानी कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हम किसी भी एम्प्टी एरिया पे हमें विंडो में जाकर ग्रुप बाय ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, सिलेक्ट वन ऑफ मैनी अवेलेबल ऑप्शन, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन में से हमें कोई भी एक को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें आइकन दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, हमें एक खाली एम्प्टी एरिया पे हमने क्लिक किया है, इसमें ग्रुप पे ऑप्शन में जाके हम इसमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, नेम को करना हो, डेट करना हो, टाइप करना हो या साइज़ करना, वो हमारी चॉइस है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसे नेम में करते हैं तो ये किस तरीके से शो करेगा। नेम इट ऑर्गेनाइज द फाइल एंड फोल्डर इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर बाय देयर नेम, यानी कि आप देख सकते हो कि ए बी सी डी जैसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ग्रुप बाय नेम, यानी कि नेम वाइज सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है डेट मॉडिफाइड, ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू देयर मॉडिफिकेशन डेट, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप बाय डेट किस तरीके से यहाँ पे शो होगा, सारी चीज़ें हैं वो डेट वाइज यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ टाइप इट ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू देयर फाइल टाइप, यानी कि फाइल के जो टाइप है उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव सिमिलर फोल्डर्स इन अ ड्राइव दे विल बी ग्रुप्ड वगैरह, यानी कि हमारे पास बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा है ग्रुप बाय टाइप, यानी कि टाइप के अकॉर्डिंग क्या करना, उसे ग्रुप में डालना। 30, साइज़ इट ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू देयर फाइल साइज़, यानी कि फाइल्स की साइज़ है, जितनी जितनी बड़ी फाइल होगी उतनी यहाँ पे, जितनी छोटी होगी या कोई भी अनस्पेसिफाइड फाइल है तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप बाय साइज़। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई गई, डू यू नो द सॉर्ट बाय ऑप्शन इज़ यूज टू अरेंज फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर सच एज नेम, डेट मॉडिफाई, टाइप एंड साइज़। हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था सॉर्ट बाय, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेम वाइज या टाइप वाइज, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाता है। तो ये भी अगर हमें यूज़ करना हो इसके अलावा तो भी हम अपने फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक देखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का हम यूज़ हमारी स्क्रीन पे है कैसे कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज़ अ फीचर प्रोवाइडेड बाय विंडोज 7 टू राइट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन प्लेस ऑफ द एक्चुअल कीबोर्ड विच इज़ अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कीबोर्ड अटैच होता है उसके यूज़ किए बिना हम स्क्रीन पे ही कीबोर्ड को ला सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। और टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फॉलो द गिवन स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप है उन्हें हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन, हम पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। क्लिक स्टेप 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, यानी कि हमें ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा उसे हमें क्लिक करना है। नंबर 31, स्टेप 3, क्लिक द एसेसरी ऑप्शन, अब यहाँ पे हमें एसेसरी का ऑप्शन आता है उसे हमें सिंपली क्लिक करना है। स्टेप 4, क्लिक द ईजर ऑफ एक्सेस ऑप्शन, हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है ईजर ऑप्शन, यहाँ पे हमें उसके सब फोल्डर्स यहाँ पे खुल जाएंगे तो उसे सिंपली हमें क्लिक करना है। स्टेप 5, नाउ क्लिक द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन, यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन उसे हमें क्लिक करना है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीबोर्ड जो है वो हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। स्टेप 6, नाउ टाइप यूजिंग द माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइस बाय जस्ट क्लिकिंग द रिक्वायर्ड की, ठीक है, हमें जो कीज़ चाहिए वो रिक्वायर्ड कीज़ हम क्या करेंगे, क्लिक करके हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप 3 हमें ऊपर ही दिखाया गया है, एक्सेसरी में गए, एक्सेसरी के बाद ईज ऑफ एक्सेस, उसमें जाने के बाद हमें एक और ऑप्शन दिखा रहा है उसे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है इस तरीके का कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर हमें टाइप करनी हो, अगर हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है और हमें टाइप करना हो तो माउस के थ्रू हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं।